विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन वाराणसी सिविल कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने साफ कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की याचिका हम वापस नहीं ले रहे हैं। देश विरोधी ताकतें हमें बदनाम करने और संघ को बदनाम करने के लिए अफवाह फैला रही हैं। उन्होंने बताया कि विश्व वैदिक सनातन संघ अन्य 5 मुकदमों में श्री काशी विश्वनाथ से जुड़े और एक लाड भैरव से जुड़े मुकदमे में याचिका वापस ले रहा है। इसमें अगले एक हफ्ते के अंदर नई याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ से डाली जाएगी। एडवोकेट कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए हम उसका जवाब देने के लिए आए हैं। दूसरा मुकदमा नंबर 350/21 जिसमें मैं खुद कनेक्ट हूँ, क्योंकि उस मुकदमे में कई वादी हैं, कुछ हमारे संगठन से हैं, कुछ संगठन के विपरीत हैं। कुछ कारणवश हमें अपने आप को देखिए, हम निकाल नहीं सकते जो विपरीत हैं, हम अपने आप को उन सबसे अलग कर सकते हैं। तो हमने ये निश्चय किया कि हम वो मुकदमा अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करके फ्रेश फाइल करेंगे। तो मतलब राकेश सिंह जी जो हैं वो अलग से वादी होंगी और बाकी जो 4 वादी? नहीं नहीं, उस वो मुकदमा अपनी जगह है। मैंने बाकी 5 मुकदमों 6 मुकदमों के लिए कहा है, 5 ज्ञानवापी से संबंधित, 1 लाट भैरव से संबंधित, उसमें विश्व वैदिक सनातन संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर वो अलग अलग मुकदमे में अलग अलग से 1-2 दिन में सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। सबकी तरफ से विड्रॉ होकर न्यू फ्रेश वकालतनामा फाइल हो, वो केस फाइल होगा विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग की तरफ से, हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ से। एक बड़ा कंफ्यूजन है सर कि ये जो 5 वादी हैं इनमें राखी सिंह जी विड्रॉ कर रही हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, ये गलत सूचना वायलेट की गई है। राखी सिंह का या मेरा या मेरे किसी एडवोकेट का ऐसा कोई बयान नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राखी सिंह का नाम लेकर, इसलिए कि कुछ देश विरोधी शक्तियां विरोध मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रही हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रख रही हैं, अलग अलग बयान लेके अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल बिगड़े। एडवोकेट जो कमिश्नर हैं उनको लेकर के सुनवाई होगी? जी, वो दो बजे सुनवाई है। एडवोकेट नए सिरे से अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे, नया वकालतनामा डालेंगे, ये सब प्रक्रिया कितने दिन की होगी? वो बाकी मुकदमों की बात है, इस मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा अपनी तरफ से पूरी तरह पूर्ण रूप से चल रहा और चलता ही रहेगा। या था आप लोगों का और प्रशासन का सहयोग मिला, शीघ्र ही ज्ञानव्यापी परिसर खुलेगा। राखी सिंह इस केस में है अभी? राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर हैं और फाउंडर मेंबर होने के नाते भी राखी सिंह का दायित्व है कि वो केस से बाहर नहीं जा सकते। बातें कहां से आई? ये बातें मीडिया कंफर्म करें, मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा वो कंफर्म करें ये झूठी खबर, क्योंकि मेरी तरफ से केवल एक मैसेज वायरल किया गया था, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमा वापस ले सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख। इसके अतिरिक्त अब उसमें तो हमारे कई मुकदमे हैं, किस मुकदमे? और वो मुकदमा मैंने आपको बता दिया, सामने स्पष्ट कर दूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी बिना हमसे किसी तरह का विचार विमर्श किए गए, आज हम उन्हें तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमों से, अपने सभी मुकदमों से निलंबित करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अब सर्वे का काम कब होगा? जी, सर्वे का काम जो है वो सर्वे का काम देखिए, आज की बहस के बाद निश्चित होता है कि क्या कोर्ट क्या आदेश करती है। वैसे मैं समझता हूँ सर्वे का कार्य कम से कम 1 हफ्ते के लिए टला है और सर्वे होगा, हर कीमत पे होगा, हर हाल में होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।